उत्तर प्रदेश भगवान श्री परशुराम के अवतार दिवस अक्षय तृतीया पर पूर्व की भांति सार्वजनिक अवकाश बहाली के संबंध में आज फिर लोकहितकारी ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है 29 नवंबर 2019 को विधान भवन लखनऊ के सामने लोकहितकारी ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्र द्वारा भगवान श्री परशुराम के जन्म दिवस पर सामूहिक अवकाश घोषित न किए जाने को लेकर आत्मदाह की धमकी दी थी, जिस पर नवंबर 2019 को उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के बुलावे पर विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में एक शिष्टमंडल से भेंट वार्ता भी हुई। वार्ता के दौरान भी श्री परशुराम के जन्मोत्सव पर सार्वजनिक अवकाश बहाल करने का आश्वासन उप मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। दिनेश शर्मा द्वारा दिए गए आश्वासन पर सार्वजनिक अवकाश तो बहाल नहीं हुआ, बल्कि 28 नवंबर 2019 को रात में भी जिला प्रशासन द्वारा अरविंद कुमार मिश्र को मिल एरिया थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया और थाने ले आई। इस तरह सरकार ने कूटनीतिक तरीके से आत्मदाह का कार्यक्रम निरस्त कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार मिश्र ने कहा, लोकहितकारी ब्राह्मण महासभा ने पूरे प्रदेश में गहन चिंतन व विचार विमर्श के बाद ही निर्णय लिया कि इस बार प्रत्येक जनपद में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति राजधानी लखनऊ में होगी और भारी आंदोलन छेड़ा जाएगा। साथ में ये भी निर्णय लिया गया कि इस बार आत्मदाह केवल प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बल्कि उनके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से कम 5 लोग उनके साथ आत्मदाह करेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि आत्मदाह करने वालों की सूचना महाप्रेल में जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार को दे दी जाएगी। इस मौके पर संजीत कुमार, अनूप कुमार शर्मा, रामानंद द्वेदी, आलोक कुमार एडवोकेट, सत्यप्रकाश त्रिवेदी एडवोकेट, रमाशंकर पांडे एडवोकेट, चंद्रकांत सहित तमाम ब्राह्मण महासभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को सरकार तक अवश्य पहुंचा दिया जाएगा। नमस्कार, मैं इस वक्त बरेली के डीएम कार्यालय सामने खड़ा हूं। यहां पे जो है कुछ लोग आए हुए हैं जिनका आंदोलन है कि परशुराम जयंती को सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया जाए। आइए उन्हीं से मिलते हैं कि वो इस मांग को लेकर क्या कहना चाहते हैं। क्या मांग आपको? अरविंद कुमार मिश्र, प्रदेश अध्यक्ष लोकहितकारी ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश। हम भगवान परशुराम के सार्वजनिक अवकाश की बहाली के लिए प्रयासरत हैं। 3 बार हमने आत्मदाह का निर्णय लिया, ब्राह्मण समाज ने आत्मदाह का निर्णय लिया, और 3 बार कभी जिला प्रशासन रायबरेली ने, कभी उत्तर प्रदेश शासन ने, कभी उप मुख्यमंत्री ने, कभी विधानसभा अध्यक्ष ने हम लोगों को लालीपाप पकड़ाया, धोखा दिया और कहा कि परशुराम जी का अवकाश घोषित कर दिया जाएगा। भगवान परशुराम। अच्छा, एक परशुराम की आपको पिछले साल पाबंद किया, कितने लाख के मचल के पाबंद किया था? मुझे अरविंद कुमार मिश्र प्रदेश अध्यक्ष को 10 लाख की और 10-10 लाख के 2 मुचलके लगाए गए थे सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा। भ्रष्ट थाना अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने संस्तुति किया था, इसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट यही जो इस समय वर्तमान में है इन्होंने लगाया था, लेकिन इन मुचलकों का हमारे ब्राह्मण समाज में कोई असर नहीं है। हमारे लिए ये सादा कागज है। ये देखा आपने, एक तरफ हमारा संविधान कहता है कि बोलने का, मांग करने का और धरना प्रदर्शन करने का सबको अधिकार है। इन्होंने इससे पूर्व 1 साल पूर्व प्रदर्शन किया और जब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने आपदा की चेतावनी दी और उनके पास कहते हैं कि गरीब आदमी हूँ, 10-10 लाख के 2 मुचलके भरने के लिए पाबंद कर दिया गया। मतलब 20 लाख रुपए अगर ये फिर धरना प्रदर्शन करते तो 20 लाख रुपए सरकार जमा करना पड़ते। आइए कुछ लोग और भी उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सुरेश शुक्ला। क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि भगवान परशुराम के, हमारे ही नहीं, ये हमारे पूरे ब्रह्म समाज की मांग है, पूरे प्रदेश के लोगों की मांग है कि भगवान परशुराम के जयंती पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इसके लिए पिछले साल हम लोग डिप्टी सीएम साहब से भी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, और अगर इसी तरह से ये लोग झूठा आश्वासन देंगे तो आने वाले समय में हम लोग इस सीधे नहीं बैठेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे और पूरे प्रदेश में आत्मदाह की क्रिया होगी। हम लोग आगे आकर के इस लड़ाई को और आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, ये आप लोग जो साथ में सब ब्राह्मण समाज हैं? हाँ, सब ब्राह्मण समाज, मतलब ब्राह्मण कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सब ब्राह्मण है, सब पंडित तिवारी। हाँ हाँ, सब ब्राह्मण। तो इन सब पूरे प्रदेश का ब्राह्मण हम लोगों के साथ। अब एक विचित्र पहलू ये भी आता सामने निकल कर कि सरकार एक तरफ कहती है कि हम ब्राह्मणों की, हम हिंदुओं की सरकार है, और श्री रामचंद्र जी के मंदिर के लिए काफी विवाद हुआ 1996 से लेकर और उससे पहले भी लोगों ने देखा है। अब इनकी मांग है कि उन्हीं के वंशज भगवान शिव के छठे अवतार के रूप में गिने जाने वाले भगवान श्री परशुराम की जयंती पर क्यों नहीं सरकार छुट्टी घोषित करेगी? हिंदुओं की इतनी हितैषी सरकार है, सरकार तो कहती है कि हम हिंदू हितैषी हैं, तो आपकी मांग क्यों नहीं मान रही है?
ताजुब तो इसी बात का है कि ये कोई नई चीज थोड़े, 2005 में ऑलरेडी इसकी छुट्टी घोषित हुई थी भगवान परशुराम के जन्म महोत्सव पे, लेकिन बीच में कैसे बंद कर। ताजुब तो ये है कि एक संत महंत मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने बंद कर दिया, लेकिन हम आशावादी हैं ये मुख्यमंत्री हम लोगों की आवाज़ सुनेंगे और निश्चित अब की बार अवकाश घोषित करेंगे। ये हमको पूर्ण विश्वास है, भगवान आदमी है, महंत आदमी है, संत आदमी है और बस यही उम्मीद है कि वो करेंगे। अभी जैसे दीप दीपावली सिखों का त्यौहार था, प्रधानमंत्री जी गए वहाँ पे दीप दान किया, सब टीवी पे देखा जी, होगा। जी, तो इस तो छुट्टी एक दिन घोषित करने में उनको क्या आपत्ति हो रही है? अब यही तो ताजुब हो रहा कि एक संत आदमी है और ये किसी ये महापुरुष भी नहीं है, भगवान नहीं, कहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्राह्मण कम है हिंदू ज्यादा है, तो हिंदू ब्राह्मणों का नहीं। ये भगवान को तो मैं मेरा व्यक्तिगत विचार है कभी भी एक जात में बांधा भी नहीं जा सकता है, वो सबके भगवान है, ब्राह्मणों के भी भगवान है, क्षत्रियों के भी भगवान है, सबके भगवान है, वो बांधा नहीं जा सकता है। इसलिए महंत जी को माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि तुरंत अवकाश घोषित करने की कृपा। हिंदुस्तान में कितने परसेंट ब्राह्मण जी को? ये डाटा तो मेरे पास नहीं, 15% ये डाटा तो मेरे पास नहीं। इन लोग का ये कहना है कि पता नहीं क्या वजह है कि हिंदू सरकार, हिंदुओं की सरकार कहने वाली भाजपा सरकार इन लोग का जो है अवकाश नहीं घोषित करे, जो भगवान शंकर के छठे अवतार के रूप में परशुराम जी के लिए अवकाश मांग रहे हैं। ब्राह्मणों की एक डिमांड है केवल अवकाश घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जब उन्होंने डिमांड की तो उनको कई तरह से पुलिस प्रताड़ना सुनने को मिली है, देखने को मिली है, जिला प्रशासन का आतंक भी देखने को मिला है, 20-30 लाख के मुचलके सबको पाबंद कर दिया गया। अब इनकी आगे की रणनीति क्या बनती है ये पूछते हैं। अध्यक्ष जी आगे आपकी आगे रणनीति क्या होगी, आगे क्या रूपरेखा होगी, नहीं मान आपकी मानी जाएगी? देखिए बहुत विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण कोई भीख मंगा नहीं, हम कोई भीख मांगने नहीं आए कि अवकाश दे दीजिए, हमसे जो था हमारे पास छीन लिया गया वो हमको वापस लिया जाए, ये सरकार किसी को दे नहीं सकती बल्कि छीन लिया इन्होंने। यही बात तो किसान भी कह रहे हैं कि हमको था वो जो हमारे हाथ, किसान कह रहे हैं तो ठीक है, किसान सही कह रहे हैं, और हमसे हमारे हमारा अवकाश था, चल रहा था पहले से, उसको इन्होंने छीन लिया है हमसे, वो अवकाश हमें वापस किया जाए, और कोई हम मांग से मांगने नहीं आए, हम कोई भीख थोड़े मांगते हैं, जोगी जी भीख देख रहे हैं वो एहसान कर देंगे हमारे ऊपर। और जोगी जी ने कहा, भाजपा के मंत्रियों ने कहा, दिनेश शर्मा जी ने कहा कि हम अवकाश घोषित कराएंगे, और अवकाश नहीं घोषित हुआ, नहीं करवाया, फिर भी कह रहे हैं अवकाश घोषित करवाएंगे, फिर नहीं करवाया, फिर कह रहे हैं अवकाश घोषित करवाएंगे, अपने वचन तो पक्के हैं, कर कुछ नहीं। बात वही घूम के आती, क्योंकि हिंदुओं का संगठन है, ब्राह्मण संगठन है, और सरकार हिंदुओं का विरोध नहीं कर सकती, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, जैसे कि आप लोग इस वक्त किसानों का आंदोलन देख रहे हैं कि आश्वासन मिला लेकिन उसमें हो कुछ नहीं रहा, वही आश्वासन इनको भी दिया जाए। इनका कहना सरकार कौन होती है कि जो छुट्टियाँ जो अवकाश घोषित किए जो चीज़ हमको दी गई उसको वापस लेने के लिए। रायबरेली से संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। क्या मांगे हैं आप? नहीं नहीं, कहाँ पे आए हैं आप? हम जिलाधिकारी रायबरेली के कार्यालय पर आए हैं और भगवान परशुराम के सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए आज उन्हें ज्ञापन सौंपा है। किस बात का ये ज्ञापन सौंपा है? लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक भगवान परशुराम हैं, उनके लोक कल्याणकारी कार्यों को उनकी प्रतिभा चिरस्थायी रहे, इसलिए 2005 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी से हमने अवकाश घोषित कराया था। जैसे भाजपा की सरकार सत्तारूढ़ हुई, इसने अवकाश को निरस्त कर दिया, हमने तुरंत 2018 से 2019 2020 में ज्ञापन दिए, लखनऊ गए, माननीय दिनेश शर्मा जी से मुलाकात की, हृदयनाथ दीक्षित जी से मिले, ब्रजेश पाठक जी से मिले, और उन्होंने आश्वासन दिया कि यह अवकाश हो जाएगा, लेकिन अवकाश आज तक नहीं हुआ। इसके बाद लोक हितकारी ब्राह्मण महासभा ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिलों जिलों पर दौरा किया, ब्राह्मणों और हिंदू समाज के बीच गहन चिंतन विचार विमर्श हुआ और विचारोपरांत एक निर्णय लिया गया कि इस बार हम विधान भवन घेरेंगे, सरकार को उलट पुलट कर रख देंगे। अब सरकार का पतन आ गया है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुझे मेरी आवाज़ सुन लीजिए, भगवान परशुराम को इग्नोर करोगे ब्राह्मण द्रोही नतिष्ठते, और अगर वो श्री हरि के छठवें अवतार नहीं है, ब्रह्म के छठवें अवतार नहीं है, तो इसको गजट कर दीजिए कि वो भगवान नहीं है, वो कोई साधु संत नहीं है, ना कोई महापुरुष है, वो भगवान है, और उनके साथ उनका सार्वजनिक अवकाश हर हालत में होना ही घोषित होना ही चाहिए। इस बार ब्राह्मण
14 मई को इसकी आधारशिला रखेंगे और उसी दिन से संपूर्ण उत्तर प्रदेश को बंद कर देंगे, इस सरकार का पतन करके रहेंगे, ये ब्राह्मणों ने निश्चित कर लिया है। हम ये अपना शांतिपूर्ण ज्ञापन आज दे रहे हैं। इसके बाद अगली तारीख पे भारी संघर्ष होगा, विधानसभा घेरेंगे, जिलों में बंदी करेंगे, अनशन पर बैठ, अनशन नहीं, अनशन तो हो ही गया। आत्मदाह की चेतावनी देता हूँ कि हर जिले से 5-5 लोग आत्मदाह करेंगे। ये मेरी आवाज है, मेरी अपील है, मेरे साथ उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण है, मेरे साथ उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता गणों का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। राम की जय। अब हम लोग शांत नहीं। संदीप मिश्रा की रिपोर्ट।